लब आजाद हैं तो क्या कुछ भी बोलेंगे? विरोध प्रदर्शन की आजादी है तो क्या देश का ही विरोध करने लगेंगे? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में मंच पर माइक से अमूल्या नाम की लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो पूरा हिंदुस्तान हक्का बक्का रह गया। ये मंच सजा था नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के लिए, लेकिन जैसे ही इस एक्टिविस्ट छात्रा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए पूरा मंच सन्न रह गया। खुद ओवैसी दौड़ कर आए और उसे रोकने की कोशिश की। लोग रोकते रहे लेकिन ये लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दोहराती रही। लोगों ने माइक छीन लिया तो बगैर माइक के ही नारे लगाती रही। मैं नमाज पढ़ने पीछे जा रहा था, मैंने जैसा ये वाहियात नारे सुने, वाहियात नारे सुने, मैं सामने तेज चल कर आकर उनको रोका मैं, और उसके बाद आप देखे उनको हटा दिया गया। मैं इसको कंडेम करता हूँ और ये लोग पागल है, इनको देश से कोई मोहब्बत है नहीं, इनको करना है जाकर और जाया करें, यहाँ क्यों आए कर रहे हैं लोग। तमाम लोग उसे मंच से भगाने की कोशिश करते रहे लेकिन जैसे वो ठान कर आई थी कि वो पाकिस्तान का पूरा महिमा मंडन करके ही रहेगी, वो मंच से हिलने तक को तैयार नहीं थी। बड़ी मशक्कत से उसे पुलिस ने वहां से हटाया। नागरिकता कानून का जितना विरोध करना है करिए, सरकार को जितना कोसना है कोसिए, लेकिन एक ऐसे मुल्क से इतनी मोहब्बत की सरेआम नुमाइश क्यों करना जो हरदम हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिशें रचता है? ये सरासर देशद्रोह है। इसीलिए बेंगलुरु पुलिस ने अमूल्या पर देशद्रोह का केस करने में कोई देर नहीं की। मंच से लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। ऐसा उसने 2-3 बार किया। वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और भीड़ से बचाते हुए थाने ले आए। हमने खुद से केस दर्ज किया है, राष्ट्रद्रोह समेत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। हमने लड़की को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। बेंगलुरु में की गई अमूल्या की हरकत से चिकमंगलुरु में रहने वाले उसके परिजन हैरान परेशान हो गए हैं। पिता ने ऐसी बेटी के लिए तो कड़ी से कड़ी सजा की मांग तक कर डाली है। मेरी बेटी ने जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए उसकी मैं निंदा करता हूँ। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने उसे कई बार समझाया लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनती। दोषी को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। देश विरोधी नारे लगाने वाली अमूल्या के खिलाफ गुस्सा भी फूट पड़ा। ABVP के छात्रों ने बेंगलुरु में उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करने लगे। कर्नाटक सरकार को भी कहना पड़ा कि अमूल्या को माफी नहीं मिलेगी। बेंगलुरु में जिस तरह से एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं उसकी हम निंदा करते हैं। ये देशद्रोही हरकत है और ऐसे देशद्रोहियों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। उधर जिस मंच से ओवैसी को सरकार के खिलाफ गरजना था उस मंच पर देश विरोधी नारा लगते ही वो सख्ते में आ गए। सोच कर जो आए थे उस स्क्रिप्ट में उन्हें तब्दीली करनी पड़ी। भाषण की शुरुआत ही इस बात से की कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की से कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। हमारा कोई मतलब ही नहीं है पाकिस्तान से हमको, और जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम कंडेम करते हैं उसको। मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, मुझे अफसोस है ये मैडम के हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बेंगलुरु के मंच से ओवैसी की ये सफाई उसी हैदराबाद के BJP विधायक राजा सिंह को कबूल नहीं जहां से ओवैसी लोकसभा की नुमाइंदगी करते हैं। राजा सिंह ने कहा कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी को ये पूछना चाहूंगा कि तुम देश को आखिर क्या मैसेज देना चाहते हो? TV के माध्यम से आज तुम्हारा जो तमाशा जो तुमने किया है बेंगलुरु में, और ये टोटली प्री प्लानिंग मुझे दिखता है। मुझे गुस्सा और तकलीफ इस बात का है कि कैसे कोई किसी और मुल्क के तारीफ में कोई नारे लगा सकता है, और इन्हीं लोगों की वजह से, इनके इस बदबख्ताना हरकतों की वजह से हमारे दुश्मनों को
मौका मिल जाता है हम पर उंगली उठाने का। कर्नाटक के चिकमंगलुरु की रहने वाली अमूल्या इन दिनों दक्षिण भारत में नागरिकता विरोधी आंदोलन का चेहरा बन गई है। वो एक स्टूडेंट और एक्टिविस्ट है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी टीम है जो उसे बताती है कि उसे क्या बोलना है। वो मोहरे की तरह काम कर रही है और उसे जो स्क्रिप्ट बताई जाती है उसे मंच से दोहरा देती है, और ऐसा वो खुद ही कबूल कर चुकी है। इसका फेस बन गई मीडिया के बदौलत से, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे एडवाइजरी कमिटीज काम करते हैं, और वो जो एडवाइजर्स देते हैं कि आज स्पीच में ये बात करना है, ये पॉइंट्स है, कंटेंट टीम काम करती है। पाकिस्तान जिंदाबाद की बातें अमूल्या पहले भी कह चुकी है और इसकी गवाही उसकी फेसबुक पोस्ट देती है। लेकिन सवाल यही है कि इस लड़की को किसने इतनी आजादी दे दी कि हिंदुस्तान की सरजमी पर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।